नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 6 जनवरी 2021 की बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने पानी के टावर पर आईटी उपकरण स्थापित किए? आंसर, बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, 51वें IFFI इंटरनेशनल जूरी के चेयरमैन कौन बने? तो आंसर रहेगा पाब्लो सेसर। तो 51वें IFFI की इंटरनेशनल जूरी के चेयरमैन कौन बने हैं? पाब्लो सेसर। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के पूर्व मंत्री विलास पाटिल अंदलकर का निधन हुआ? आंसर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC के अध्यक्ष कौन बने? आंसर, आशीष पेठे। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय के साथ मिलकर एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान बनाओ योजना शुरू की? आंसर, संस्कृति मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 6, तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की? आंसर, ब्रिटेन ने। यानी जो तूफान बेला आया था उसके कारण ब्रिटेन देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न कर ली थी तूफान को बिजली में स्थानांतरण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की? आंसर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया? आंसर, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर, अब्दुल लतीफ गनई। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में लोगों को रात में छोटे ड्रोन की अनुमति प्रदान की? आंसर, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित कराया गया? आंसर, केरल में। क्वेश्चन नंबर 12, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित कराया गया? आंसर, केरल में। क्वेश्चन नंबर 12, जॉन फुल्टन रीड का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? आंसर, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश की संसद ने मलाला यूसुफ जई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? आंसर, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष स्थापित ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया? आंसर, वर्ष 2023 का। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने वर्ष 2023 में स्थापित ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? आंसर, पीएम मोदी। तो पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में स्थित पोंग बांध रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हुई? आंसर, हिमाचल प्रदेश। 17, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? आंसर, डॉक्टर संजय कपूर। डॉक्टर संजय कपूर हैं वो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर, धनुष। जो धनुष नाम के व्यक्ति हैं यानी अभिनेता हैं धनुष, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्च पुस्तक द गोपी डायरीज कमिंग होम की लेखिका कौन है? आंसर, सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस कॉल सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई? आंसर, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस कॉल सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 21, किस बैंक में बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की? आंसर IDBI बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू कर दी है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सेना ने किस शिपयार्ड के साथ 12 फास्ट गश्ती नौकाओं के लिए समझौता किया? आंसर गोवा शिपयार्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के नए मुख्य ना यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के नए मुख्य न्या यानी कि जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख दोनों के ही जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं जस्टिस पंकज मित्तल। जस्टिस पंकज मित्तल हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इनका नाम याद रखना है जस्टिस पंकज मित्तल यानी मिथल। क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया की सबसे मूल्यवान टू व्हीलर कंपनी कौन बनी? आंसर बजाज। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान टू व्हीलर कंपनी बजाज बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 25, कर्नाटक राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ADB बैंक से कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर 100 मिलियन डॉलर पर ऋण यानी कि जो कर्नाटक राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ADB की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, इसमें 100 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 26, टेस्ला ने किस देश में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की? आंसर चीन। तो टेस्ला ने चीन देश में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू कर दी है। क्वेश्चन नंबर 27, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की? आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत कर दी है यानी कि हम व्हाट्सएप में भी बैंकिंग कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश ने भारत से बड़ी मात्रा में चावल खरीदना शुरू किया? आंसर वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 29, टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने 7,000 रन बनाने वाला तीसरे खिलाड़ी का खिताब जीता? तो आंसर केन विलियमसन ने। जो न्यूजीलैंड के फैव फोर में आते हैं केन विलियमसन, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाला तीसरे खिलाड़ी का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश ने 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया? आंसर ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है यानी कि ब्रिटेन में अब 1.5 महीने तक भी लॉकडाउन रहेगा, जबकि भारत में अभी सब जगह नहीं है, लगभग सभी राज्यों से हट चुका है, लेकिन ब्रिटेन में अभी 1.5 महीने तक रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन कब किया गया? आंसर 4 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 32, 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान के तहत 43 सदस्यों का जस्ता किसने रवाना हुआ? आंसर अंटार्कटिका का यानी कि 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान के तहत 43 सदस्यों का जस्ता किसके लिए रवाना हुआ? आंसर अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ है, जो 40वां वैज्ञानिक अभियान है ये। क्वेश्चन नंबर 33, एयर थिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज फाइनल का खिताब जीता? आंसर तैमूर रादचाबोब ने। एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज फाइनल का खिताब किसने जीता है? तैमूर रादचाबोब। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटेन देश में फैलने वाले कोरोना वायरस के लिए यानी कि ब्रिटेन देश में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनाया? आंसर भारत यानी अपना देश भारत है वो। अपने देश भारत ने ब्रिटेन देश में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग
कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? आंसर राजस्थान ने। तो दोस्तों यहीं पर अपना वीडियो कंप्लीट होता है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।